ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन में संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने संविधान दिवस के महत्व के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। सोलन में संविधान दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा विशेष रूप से मौजूद रहे। मुख्य अतिथि ने संविधान दिवस के महत्व के बारे में उपस्थित लोगों को जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संविधान दिवस का महत्व तभी है अगर हम सभी संविधान को अपने जीवन में सही ढंग से अपनाएं। इस मौके पर मुख्य अतिथि ने न्याय प्रक्रिया में अच्छे कार्य करने वाले अधिवक्ताओं को पुरस्कृत भी। इस मौके पर प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा व अन्य पदाधिकारियों ने कहा कि उनके द्वारा आज संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाई। उन्होंने बताया कि इस मौके पर नए कार्यकारिणी का गठन भी किया गया और समान समाज की स्थापना के लिए अधिवक्ताओं की भूमिका को लेकर कार्यक्रम के दौरान जानकारियां भी दी गई। उन्होंने बताया कि संविधान की गरिमा बढ़ाने के लिए अधिवक्ताओं के अधिकार और कर्तव्य क्या क्या हैं, इस बारे में भी अवगत करवाया गया। जो है सोलन यूनिट की तरफ से यहाँ संविधान दिवस का कार्यक्रम किया गया, जिसमें जो है आज के जो मुख्य चीफ गेस्ट थे, हमारे मुख्य अतिथि थे वो विवेक सिंह ठाकुर, जस्टिस हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट थे, और उसमें उन्होंने संविधान पे अपने विचार रखे और यही बताया कि संविधान को जो इसको सही तरह से किस तरह से इसका सही मतलब संविधान दिवस का तभी हो सकता है अगर हम इसका सही निर्माण और सही तरीके से इसका वो करें। बाकी इसमें जो है हमारे जो कार्यकारी अध्यक्ष, मैं जो है हिमाचल प्रांत का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और जो यहाँ विवेक शर्मा जी जो इस यूनिट जिला के वो अध्यक्ष है, अमित सिंह चंदेल जी भी थे महामंत्री जो अधिवक्ता परिषद के, वो भी उपस्थित थे। और इस आज के संविधान दिवस पे जो है नई कार्यकारिणी का जो है वो भी अनाउंस की गई है, जिसमें सोलन की नई कार्यकारिणी, कंडाघाट की, नालागढ़ की और अर्की की कार्यकारिणी की गई है। आज हमने अधिवक्ता परिषद की तरफ से और सोलन बार की तरफ से कॉन्स्टिट्यूशन डे इस तरह का एक सप्ताह मनाने का पीछे निर्णय लिया था, वो आज कार्यक्रम हमारे शुरू हुए हैं। तो आज के कार्यक्रम में माननीय उच्च न्यायालय न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर जी ने कुछ वक्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन लेकर रखा है। समान समाज की स्थापना हमारे देश में होनी चाहिए, इस कल्पना से पूरे देश में अधिवक्ताओं को काम करना चाहिए। तो इस तरह का एक जो हमारा विचार भी है, जिसको लेकर हम पूरे देश में काम कर रहे हैं। तो हमारा मानना ये है कि पूरा समाज बराबर है और हम सबको इसको बराबर बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो इस तरह से विचार को लेकर आगे हम काम करेंगे और आगे एक हफ्ते तक कॉन्स्टिट्यूशन डे के कार्यक्रमों को अलग अलग कोर्टों में हम करेंगे। और ये संविधान दिवस